नमस्कार। बारिश का मौसम और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी भी ख़राब हो सकती है। दो रेडियो की ट्यूनिंग इसी तरह से बिगड़ गई और दो चैनल एक ही जगह पे कैच होने लगे। नमस्कार, महिला जगत प्रोग्राम में सभी भाइयों का स्वागत है। हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि अगर आपके पति आपके साथ अत्याचार करते हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट खेत खलियान। किसान भाइयों को बताया जाएगा आलू की फसल की बिजाई और लुगाई, माफी चाहता हूँ, बिजाई और बुआई के बारे में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को ख्याली राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये बारिश के दिनों में ज्यादा पैदा होता है। पति पत्नी का संबंध जितना ही गहरा होता है आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, अगर आपके पति आपके साथ अत्याचार करे या शराब पी कर आए तो 2 बाल्टी पानी में DDT पाउडर घोलकर छिड़क दें। इससे आपके पति फौरन साफ हो जाएंगे। बहनों, अगर आपके पति आपके साथ हल्ला करे या आपकी बात ना माने तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जितना गहरा उसके जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। बहनों, सास माँ समान होती है, उनके लिए खाना बनाए, पकवान बनाए और उसमें 2-3 बोरी गोबर की खाद जरूर मिला दें। उनके लिए बिस्तर बनाए, उनके लिए पैर दबाए और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों, ससुर पिता समान होते, उनकी पूरी पूरी सेवा करें, अदरवाइज उनमें कीड़े पड़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगर आपके पति आपको दहेज के लिए तंग कर रहे हो तो उन्हें बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। टिंग टोंग पुड़ुंग, योगा से होगा प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं कुकरी शो में जिसका नाम है खाना खुजाना। इसमें हम आपको पतले होने के नए नए तरीके बताएंगे। इसके लिए आप लीजिए 2 बड़े टमाटर, 2 छोटे आलू और 2 कटोरी तेल और 1 चटाई। चटाई बिछाकर उस पर उल्टे लेट जाएं और धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को फैलाएं और उनमें 2 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च डाल दें। अब एक लंबी सांस लें और ऊपर से ढक्कन बंद कर दे। अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे चलाएं ताकि मसाला जलने ना पाए। अब आप उल्टे लेट जाएं और ध्यान रहे कि भाप निकलने ना पाए। अब अपने दोनों हाथ पेट के ऊपर रखें और उन्हें हल्का हल्का दबाएं और 2 सीटी बजने का इंतजार करें। नाक से सांस खींचें और मुंह खोलकर उल्टी कर ले और थाली में परोस दे। अगर आपको पसीना आ रहा हो तो उसके ऊपर छिड़क दे, इससे खाना और भी लजीजदार हो जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार 7 दिन करते रहें, आपका वजन 3 से 4 किलो कम होने की संभावना है। अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल और आपको भविष्य बताएंगे गुरु घंटाल। मेष राशि वालों के जीवन में बादल फटने की पूरी संभावना है। उनके वैवाहिक जीवन में तेज तूफान आ सकता है। उनके पारिवारिक जीवन में खुशकी छाई रहेगी। सभी प्रेमियों को ये निवेदन किया जाता है कि समुद्र में मछली पकड़ने ना जाएं। मीन राशि वालों के पेट में गड़बड़ी रहने की पूरी पूरी संभावना है। गरज के साथ साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। अगर आज ये आइटम अच्छी रही तो जज की तरफ से पॉइंट्स की मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, आप अपना प्रोग्राम शुरू करें। थैंक यू, मेहरबानी, गुड बाय, शुक्रिया, शुभरात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार। अरे भाई, झाड़ू से कहाँ खेल रहा है। एक काम करो, अंदर जाओ माई के पास, अरे 2-4 फाइल वाइन साइन कर लो, जाओ। अरे जाओ अंदर बिटवा। What is बिटवा? ए मिश्रा, कौन है ये? बक, हमरा तो हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी बोल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का गाड़ी 4 पे आ गया है। कौन हो भाई? I am Harry Potter. रिपोर्टर? एक मिनट, हाँ लो इंटरव्यू लो। नो, आई एम हैरी पॉटर। हैरी पॉटर? तो काला पोटी साफ करो जल्दी से। अरे चश्मा पहना दिखता नहीं, हमारा बफेलो गोबर किया है। अरे चलो साफ करो। आई एम हैरी पॉटर द मजिशियन, जादूगर। झाड़ू कर। मैं जादू करता हूँ, मैं जादू से आपके सारे बफेलोस गायब कर दूंगा। हम बिना जादू के चारा गायब कर सकता हूँ। मुझ पे 7 किताबें लिखी गई हैं। तो कहवा, हमारा 9 बच्चा है। 2 किताब और लिखो, सबको एक एक बार दो। हैं? हाँ, चौंधिया गया का? नहीं, मैं तो इसलिए चौंक गया हूँ कि मेरे हिसाब से आपके
नौ नहीं 10 बच्चे हैं। एक मिनट भाई, ए मिश्रा कितना बचवा आ रहा? 11। वो वाला भी हो गया? अरे भाई यार, देश का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है और आपका मैथ्स कच्चा होता जा रहा है। मुझे देखिए, मैं हॉगवर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ का टीचर हूँ। What rubbish! आप हॉगवर्ट्स के नहीं हार्वर्ड के टीचर हैं। अरे हम हार्वर्ड से भी फॉरवर्ड हूँ भाई। ऐसा है जो हम जादू से रेलवे को प्रॉफिट में ला सकता हूँ। मैं वही जादू तो आपसे सीखने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने रेलवे को प्रॉफिट में लाया कैसे। हम एनालाइज किया, इतना पैसा आ रहा था रेलवे में टिकट का, माल धुलाई का, फिर भी रेलवे लॉस में जा रहा है। चीटिंग पकड़ा गया। What cheating? अरे भाई, इतना पैसा आ रहा था, सब वर्कर के पगार में जा रहा था, सबका पगार रोक दिया हूँ। अगला दिन से रेलवे प्रॉफिट में हो गया है और जब तक हम रेलवे में हूँ, रेलवे प्रॉफिट प्रॉफिट में रहेगा। ओह माय गॉड गॉड। अरे गले मिल लो भाई, जादू का झप्पी दे दो। मैं पहले जादू से शटर डाउन करता हूँ। शटर डाउन। वादा जो किया है वो निभाना है, आज किसी से मुलाकात है मेरी। रुक जा छमिया। रुक जा। कितने आदमी थे? वे मैं हीरू को ऐश्वर्या राय नहीं हूँ। मेरा एक ही आदमी है, मेरा रांझा। देख छोरी, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। वे तू हंसे बगैर भी बहुत खतरनाक लगता है। चल हट इधर से, मेरा रास्ता छोड़। देख छमिया, 50-50 कोस दूर, जब रात को बच्चा सोता नहीं तो मैं कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। गब्बर क्या बच्चे खिलाने का काम करता है? जो हर माँ गब्बर को बुलाती है, गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। इधर से रास्ता छोड़। देख छोरी, मैं तेरे रांझे को उठा ले जाऊंगा। हाँ है, मैं समझी तू मुझे उठाने के लिए आया है। तू तो उस तरह का आदमी निकला। उस तरह नहीं, मैं तेरे रांझे को इस तरह उठा ले जाऊंगा। वे तू कोई क्रेन है क्या जो मेरे रांझे को उठा के ले जाएगा? मेरा रांझा तेरा बाजा बजा देगा। हाँ देख छोरी, मैं तेरे रांझे की बांसुरी में मिट्टी डाल दूंगा। मैं तेरी पेंट में चुभे छोड़ दूंगी। मैं तेरे रांझे की रोटी छीन लूंगा। मैं तेरे पराठे बना के रांझे को खिला दूंगी। मैं तेरे धोती रांझे की उगाते भाग जाऊंगा। कच्ची हो गई, मेरा रांझा धोती पहनता ही नहीं है, वो तो अब पैंट पहनता है। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। है मुझे लगता है तू भी शराफत से नहीं मानेगा, मुझे भी ना चप्पल उतारनी ही पड़ेगी। मैंने कहा हाथ उठा, टांग नहीं। अरे वो तो मैंने चप्पल पहनने के लिए उठाई थी। चल हट वरना बताती हूँ तुझे। अच्छा बता, क्या बताएगी तू? ले तुझे क्यों बताऊँ, वो तो मैं अपने रांझे को बताऊंगी। कच्ची हो गई। देख छोरी, मैं गब्बर सिंह हूँ, गब्बर सिंह, समझी तू? तू मुझे बहुत इजी ले रही है। चल मैं तुझे बहुत मुश्किल में ले लेती हूँ भाई जान, मेरी जान छोड़ दे। भाई हटा, जान बोल। मैं जान हटाकर भाई बोलूंगी। भाई 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 भाई, मेरी जान छोड़ दे। गोबर सिंह। गोबर नहीं, गब्बर सिंह, शोले वाला गब्बर सिंह। अच्छा तो शोले फिल्म का गब्बर सिंह है? वही जिसने हीमा फुप्पो को कांच पे नचाया था। तेरी तो मुझे बहुत टाइम से तलाश थी। इधर आ, छोड़ दे मुझे, मुझे बचाओ। देखो, देख 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 देख, मैंने अपने से, मैंने खुद नहीं किया था, मुझे सलीम जावेद ने किया था कहने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। दूसरों के कहने पे किसी की माँ बहन को नचाता है, बेशरम, आज तू नाचेगा। नहीं, नाच। नहीं मैं नहीं नाचूंगा। नाच। देख छोरी, जब तक मुझ में सांस है खिंच गया, मैं नाचूंगा। नाचूंगा मैं, नाचूंगा मैं, नाचूंगा मैं, नाचूंगा मैं, नाचूंगा। बस अब नंबर भी ले लो गब्बर।